ये जो फकीबाग के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन सबको हिदायत दी जाती है कि जो हमारा ये जो रोड नाला है जो उनके पास वहाँ पर वाटर लेवल सडनली इंक्रीज हो गया है, आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि यहाँ से निकल के सेफर एरियाज में चले जाएं ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे वाटर लेवल डाउन हो जाएगा हम आपको बता देंगे, अपने बच्चे जो भी जैसे आप जाना चाहते हैं आप गुलाबगढ़ चले जाए, मट्टी वाली साइड चले जाए, बस सेफर एरिया में चले जाए। अगर यहाँ पर कोई यात्री है किसके घर में रुका हुआ है उसको भी हिदायत दी जाती है कि आप भी ऊपर चले जाए, मत अठौली की तरफ को जाएगा या कोई उस तरफ जाने की कोशिश करे जिससे कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये मैं इस ये मैसेज देना चाहता हूँ आपको, ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी सेफ एरिया में चले जाए, हमें जान माल को बचाना है और सबको बचा के लेके चलना है। कोई जल्दबाजी में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करते कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बारिश काफी ज्यादा हुई है, ये जो ऊपर एरिया जो कैचमेंट एरिया से हमारे चिशोटी के या मछलेर के वहाँ पर जंगल लैंड स्लाइड आने की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आप सबको हिदायत दी जाती है, सब लोकल्स हैं यहाँ के, बच्चे भी खड़े हैं, सब अपने अपने घरों में चले जाएं। तो जो आपका गुलाबगढ़ में कोई अल्टरनेट कुछ है या कोई रिश्तेदार है वहाँ पर, ये आपको फिर से मैं हिदायत दे रहा हूँ कि जिसके पास कोई जगह नहीं है चाहे यात्री या कोई लोकल है वो हमारी संस्था खाली है वहाँ चला जाए, हमारा सीएफसी ओपन है वहाँ चला जाए, और फिर भी कोई कोर्ट नहीं है हमारा पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पर वो बैठ सकता है ठहर सकता है, उसके बाद उसको जो अकॉर्डिंगली जो हमने ड्रेसिंग देनी होगी वो दे देंगे। थैंक यू। लेकिन मेरी गुजारिश है हमारे डीसी कश्तवाड़, हमारा सरपंच फारूक सिंह साहब से, हमारे लीडर तारिक सिंह साहब से और हमारे अमेरिका सिंह साहब से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस स्कूल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। रात के तूफान आने की वजह से ये टूट चुका है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसका कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि हमारा पास जाने का रास्ता बिल्कुल कट हो गया है और हमारा बहुत बड़ा जमीनों का नुकसान भी हुआ है। हमारा मौका दिया जाए आगे, हमारे स्कूल का मौका दिया जाए और हमें पुल दिया जाए। मेरी ये अपील है हमारे सरपंच साहब से, फौरन आके इसकी इतना मैंने पूछा दिया है इसको, हमारे श्रद्धा है कि आज इस पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। वाह। यहाँ पर चले होते कोई फायदा नहीं है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, जब कम हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। अगर किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह देखेंगे, आप चलिए ऊपर आ रहे प्लीज। आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि दरिया जो ये सारा पुल है पुल के आसपास खड़े ना रहे, अपने घरों की तरफ चले जाए, हमारी मदद करें प्लीज। तो बार बार बोल रहा हूँ कि दरिया के पास खड़े मत रहे प्लीज, अपने अपने घरों की तरफ चले जाओ या सेफर एरिया वहाँ पर चले जाओ।
कोलकाता से बोल रहा हूँ। यह पूरी रात तूफान आने की वजह से गिर चुका है, तो हमारी जो रिहाइश थी वो हमारी गुजर लोगों की पार्क के एरिया में थी, वो तमाम गिर चुका है। आप पार जाने का हमें कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मेरी अपील है इंतज़ामिया से और मेरी अपील जनाब सरपंच फारूक तीन साहब से और मेरी अपील जनाब हमारे मौजूदा तहसीलदार साहब से और डीसी कश्तवाड़ से गुजारिश की जाती है कि आके इसका मौका दिया जाए और हमारे पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। हमारे कुछ ऐसे गुजर लोग जो पार रहते थे वो वहाँ के वहीं रुक के, उनको कोई पता नहीं खाने पीने का कोई इंतज़ाम सब बंद है। हमारा जो चलने का लकड़ी घास वगैरह का जो भी चारा था वो तमाम पार था, इसकी वजह से पुल गिरने की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी ज़मीनें चली गई हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए हमारी गुजारिश की जाती है कि हमारा इस पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए, नहीं तो हम उड़ार रोक के जाएंगे और पार के पार रोक के जाएंगे। तो हमारी गुजारिश की जाती है, मेरी अपील है हमारे तहसीलदार भोंडला से, हमारे पुल का आके मौका किया जाए और हमें पुल दिया जाए और हमारे पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो हमारा पार जाने का रास्ता कट हो जाएगा और हमारे पार जाने का तमाम जो भी कुछ था तमाम ख़त्म और हमारा गाज लकड़ी वगैरह सब पार हुआ। लेकिन मेरी गुजारिश है हमारे डीसी कश्तवाड़, हमारा सरपंच फारूक तीन साल से, हमारे लीडर तारिक तीन साल से और हमारे अमेरिकन सीनियर साहब से गुजारिश की जाती है कि हमारा इस पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। रात के तूफान आने की वजह से ये गिर चुका है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसका कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि हमारा पार जाने का रास्ता बिल्कुल कट हो गया है और हमारा बहुत बड़ा ज़मीनों का नुकसान भी हुआ है। हमारा मौका दिया जाए आगे, हमारे इस पुल का मौका दिया जाए और हमें पुल दिया जाए। मेरी ये अपील है हमारे सरपंच साहब से, फौरन आके इसकी इतला मैंने पहुँचा दिया इसको, हमारे लगता है कि आके इस पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। वस्सलाम। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।